गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर संकेत जैन फ्रॉम सेंज यूनिवर्सिटी इंदौर। आज हम सीखेंगे यूटीएम मशीन की यूटिलिटी, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। आज हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या क्या अलग अलग पार्ट्स हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के, किस तरीके से वो काम करती है। हर एक कंपोनेंट का हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से यूटीएम मशीन को यूज़ किया जाता है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं, ये हमारी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है और इसमें बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं। जो पहला कंपोनेंट होता है वो होता है लोडिंग यूनिट, जो कि इस तरफ है, और दूसरा होता है कमांड सेंटर, जो कि इस तरफ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कमांड सेंटर की। कमांड सेंटर में जो हमारे सबसे पहले आप यहाँ डायल गेज देख रहे हैं, सबसे जो पहला पार्ट होता है वो उसका एक डायल गेज होता है। इस डायल गेज में हम ये आप देखेंगे कि तो इसका जो काटा है वो मूवेबल होता है। जब हम इस यूटीएम मशीन में किसी मटेरियल को टेस्ट करते हैं, लाइक हम उसमें कंप्रेशन या टेंसाइल टेस्ट या शीयर टेस्ट, बेंडिंग टेस्ट, सभी तरीके के हम टेस्ट इसमें परफॉर्म करते हैं, तो कितने लोड पे हमारा मटेरियल ब्रेक हो रहा है वो हमको इस डायल गेज की मदद से उसमें से रीडिंग मिलती है। इस डायल गेज में आप साइड में इस डायल गेज में आपके दो वॉल्व होते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। ये दोनों आपके पंप वॉल्व कहलाते हैं, कंप्रेशन पंप वॉल्व कहलाते हैं। इन वॉल्व्स की मदद से हम लोग इस कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में लोड की इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं और लोड को रिलीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर चार बटन्स होते हैं, जिसमें अप एंड डाउन बटन होता है जो हमारे इस मूवेबल पार्ट को अप एंड डाउन करता है। दूसरा होता है हमारा ऑन एंड ऑफ बटन। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारी लोडिंग यूनिट की तरफ। तो आप यहाँ जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा एक ड्रम सिस्टम लगा हुआ है जिसपे एक ग्राफ पेपर लगा हुआ है। इस ड्रम सिस्टम की मदद से हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, हमारे जो भी मटेरियल टेस्ट हम कर रहे हैं उसका डायरेक्ट स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम यहाँ से उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी लोडिंग यूनिट। आप जैसे देख पा रहे हैं इसमें चार तरीके के पिलर्स हैं। इन चार तरीके के पिलर्स का काम अलग अलग है, जिसमें आप देख सकते हैं दो पिलर्स में थ्रेड बने हुए हैं और दो पिलर्स आपके प्लेन हैं। तो जो थ्रेड वाले पिलर्स हैं उनका वर्किंग होता है इन कंपोनेंट्स को ऊपर या नीचे की तरफ ले जाना। और जो आपके ये पिलर देख रहे हैं इसमें होते हैं जो हमारा ऑयल, जो इस मशीन में जो हमारा हाइड्रोलिक ऑयल भरा हुआ होता है, वो ऑयल इस पम्प इन वर्टिकल्स के अंदर जाता है और उसकी मदद से हमारा लोड लगता है हमारी मशीन पे। अब बात करते हैं, इसके तीन मेन पार्ट हैं हमारे यूटीएम मशीन के। जो तीन कंपोनेंट होते हैं जिसमें से आपका अपर पार्ट और लोअर पार्ट मूवेबल होता है और इंटरमीडिएट पार्ट आपका फिक्स रखा जाता है। इन अपर और लोअर पार्ट में, जो आपका इंटरमीडिएट पार्ट और अपर पार्ट है, इसमें आपके वाइस लगे होते हैं जिनको इन हैंडल्स की मदद से हम लोग बाहर की तरफ निकालते हैं। इन्हीं जो वाइस में आपका हम जो स्पेसिमेन होता है उसको फिट करते हैं और हमारी टेस्टिंग करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से हम आप देख पाएंगे हमारे यहाँ पर कंपोनेंट अलग अलग तरीके के बार्स रखे हुए हैं। हम डायरेक्टली इन बार्स का यूज़ भी कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए, या फिर जो हमारा प्रैक्टिकल के लिए हम जो स्पेसिमेन यूज़ करते हैं वो इस तरीके के बार्स होते हैं, जिसे हम टेस्ट स्पेसिमेन बोलते हैं। इन टेस्ट स्पेसिमेंस का को हम यहाँ पर यहाँ जॉइस्ट में वाइस में इसमें यहाँ पर फिट करते हैं और लोडिंग देते हैं और यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं। इसके अलावा हम लोग हमारे यूटीएम मशीन में कंप्रेशन टेस्ट भी कर सकते हैं। कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के लिए हम लोअर हेड और इंटरमीडिएट हेड का यूज़ करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्क्रीट का क्यूब रखा गया है। इस कंक्रीट के क्यूब को हम यहाँ पर प्लेस करते हैं और इस हेड को हम थोड़ा सा लोअर करते हैं। जब हम मशीन को ऑन करते हैं और प्रेशर रिलीज करते हैं, तब ये आपका जो बॉटम पार्ट है वो ऊपर की तरफ मूव करता है और फोर्स लगता है, और डायल गेज की मदद से हम उस फोर्स को कैलकुलेट करते हैं और हमारे जो एनालिटिकल कैलकुलेशन है उसकी मदद से हम उस मटेरियल की टेस्टिंग करते हैं, उस मटेरियल की स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सेज यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।